अस्सलाम वालेकुम लजीज दस्तखान, मेरे इस चैनल पे सभी प्यारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, आने वाले सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स फ्रेंड को तहे दिल से खुशामदीद। आज मैं बनाने जा रही हूँ कोलकाता स्टाइल चिकन चाप। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज बनता है ये। आप इसे ईद के मौके पर बनाइए, आपके घर में मेहमान आ रहे हो उस वक्त बनाइए, चाहे शादियों में बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है ये, बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसे बनाने के लिए जो इन्ग्रीडियंट्स लगेंगे वो हैं ये मैंने यहाँ पर एक कप दही लिया है, एक मीडियम साइज़ का प्याज है, एक कप दूध है, ये दूध जितना ज़रूरत होगी उतना लगेगा वरना और दूध हम लोग रख देंगे। ये केसर है जिसे मैं पहले से भिगो कर रखी हूँ दूध में। ये है खसखस, पोस्तदाना कहते हैं इसे। इसे भी मैंने आधा घंटा पहले से पानी में भिगो कर रखा ताकि अच्छे से फूल जाए, पीसने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मगज़ है, चार मगज़ बोलते हैं इसे, खरबूजे के बीज को बनता है, सुखा कर ड्राई करके बनता है इसे। ये एक ड्राई फ्रूट भी आता है, ड्राई फ्रूट में भी इसे इसके लिया जाता है। यहाँ पर मैंने इसे 2 टेबल स्पून लिया है, यहाँ पर 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर काजू लिया है इस तरह से। सबसे पहले हमें इसे पीस लेना है, ये 4 मगज़ है, ये काजू है और ये प्याज है। इसे बिल्कुल ही बारीक पीसना है। इसमें डालना है खसखस। अगर आप मटन का चाप बनाना चाह रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा सा पपीता, कच्चा पपीता होता है वो थोड़ा सा काट कर डाल दें ताकि आपका मटन बहुत अच्छे से गल जाएगा। मैंने इसे बहुत बारीक पीस लिया है इस तरह से। अब हमें चाहिए, यहाँ पे मैंने 1/2 kg चिकन लिया है, चिकन थोड़ा बड़ा पीस में होना चाहिए इस तरह से। और ये मसाले हैं कुछ, ये है कश्मीरी मिर्च है, कश्मीरी मिर्च 2 टीस्पून है, ये 1 टीस्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून तीखी वाली मिर्च है। कश्मीरी मिर्च तीखी होती नहीं है इसलिए मैं एक चम्मच यहाँ भी ये भी यूज़ की हूँ, तीखी वाली मिर्च यूज़ की हूँ, 1 टीस्पून है ये। और ये 1.5 टीस्पून बिरयानी मसाला है, इसका टेस्ट जो आएगा चाप में बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी आएगा। मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप गर्म मसाला की जगह पर बिरयानी मसाला डाला करें, उसका टेस्ट आप खा के देखिए, बहुत ही टेस्टी होगा। और ये नमक है एज अ टेस्ट। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, दोनों 2-2 टेबल स्पून है। एक बाउल में सबसे पहले हमें योगर्ट डालना है, इसे अच्छे से फेंट लेना है। इसमें डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सारे मसाले, जो पेस्ट बनाई थी वो भी डालना है। मैंने सभी मसाले डाल दिए हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स हो गया है। चिकन को पहले अच्छे से वॉश कर लेना है, बहुत अच्छे से करने के बाद पानी को अच्छे से ड्रेन कर लेना है, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। अब मैं इस चिकन के पीस को इसमें डालूंगी। डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब इसे अच्छे से कवर करके कम से कम फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख देना है। आप आधे घंटे में भी बना सकते हैं इसे, मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। मैं इसे फ्रिज से बाहर निकाल ली हूँ, 1 घंटा हो गया था इसे मैरिनेशन पर रखे हुए। एक तरफ मैं तेल चढ़ा दी गर्म होने के लिए। अब एक एक पीस को फ्राई कर लेना है इस तरह से। मैंने रिफाइन ऑयल डाला है, ये चिकन है, इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि इसे ग्रेवी में भी गलाना है इसे।
दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेना है पलट पलट के। इसे फ्राई करने में 6 से 7 मिनट लगेगा। ये फ्राई हो गया है, इसे निकाल लेना है। बाकी की चिकन को भी इसी तरह फ्राई कर लेना है। अब इन्हें डालना है जितना भी ग्रेवी बचा था डाल देना इसमें। अब इसमें चिकन फ्राई किया हुआ चिकन डालना है इस तरह से। इसमें डालना है ये घी है, 4 टेबल स्पून घी डालना है। अब इसे कवर कर देना है। कवर करने के बाद इसे 5 मिनट तक पकाना है। 5 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें दूध ऐड करूंगी, 1/2 कप दूध ऐड करूंगी। चिकन एक काफ़ी गल जाता है इसलिए 1/2 ही ऐड करना है। अगर मटन बनाते हैं तो पूरा 1 कप डालिए। फ्लेम को बिल्कुल हाई रखिए, लो फ्लेम पे इसे बिल्कुल मत बनाइए वरना गल जाएगा। बस इसे कवर करके पकाना है। एक बार चिकन को देख लेना है। तब तक से जब तेल छोड़ना शुरू हो जाए तब समझिए आपका चाप बन के तैयार हो गया। अभी इसमें तेल नहीं निकला है एंड अभी इसे 5 मिनट और कुक करना है। अब इसमें मैं डालूंगी केसर। दूध में मैं केसर फुला के रखी थी उसे ऐड करना है। ये है 1 टीस्पून रोज़ वाटर, 1/2 टीस्पून केवड़ा। ये चाप बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे आप बना के एक दिन पहले फ्रिज में भी रख सकते हैं। ईद में अभी इसे बनाना है। यहाँ मैं डालूँगी 2 बूंद मुगलाई मीठा अतर है ये। मैं बस ज़्यादा नहीं 2 बूंद ही डालूँगी क्योंकि बहुत ही हार्ड होता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है चाप में। अब इसे अच्छे से चला लेना है। अब इसे ढक के कम से कम 2-3 मिनट इसे ढक के ही पकाना है। और आप लास्ट का जो कुक हो रहा है इसे 2 से 3 मिनट से ढक के पकाएं वरना जितने भी इसके अंदर का तेल है ये सब बाहर निकल के गिर जाएगा। लास्ट टाइम ये बहुत ज़्यादा देखिए इस तरह से होना शुरू हो जाता है। इसे ढक के पकाएं, इसकी खुशबू भी बरकरार रहेगी और तेल भी बाहर नहीं आएगा। 3 मिनट हो चुका है, मैं फ्लेम को ऑफ कर दी हूँ। बनके बिल्कुल रेडी है, बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी बना है ये, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस चिकन चाप को आप नान के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, पुलाव के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। सबसे टेस्टी इसका ग्रेवी जो है, ग्रेवी में बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। बिल्कुल कोलकाता स्टाइल चिकन चाप बन के तैयार है ये, बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं अलग से बनाई हूँ। कोलकाता के जितने भी रेस्टोरेंट हैं बिल्कुल इसी तरह से बनाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आपको बेल आइकन से मिलेगी। तो मेरी इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।